हेलो दोस्तों, हेल्प टेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ठीक, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आप कमेंट जरूर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक। हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्प टेकर। हेल्प टेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम गाड़ी विभाग से एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, तो चलिए हम को वीडियो को पूरा कवर करते हैं और देख लेते हैं क्या है इसकी न्यूज। देखिए यहाँ पे जो न्यूज निकल कर आ रही है वो देहरादून से यानी उत्तराखंड से निकल कर आ रही है। उत्तराखंड विभाग संबंधित जो होमगार्डों का आक्रोश है उसको हम न्यूज पर है और इस न्यूज को हम पूरा कवर करते हैं डिटेल से, तो देखते हैं इसमें होमगार्ड्स भाई। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी वीडियो पाने के लिए, जो जो न्यूज पिक करते हैं कोई भी, तो अब यहाँ पे सबसे पहले इस चैनल पे मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे जिससे चैनल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूनतम वेतन और न देने पर होमगार्डों में आक्रोश, ठीक। देखिए यहाँ पे देहरादून सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी होमगार्ड के वेतन के मामले में ये जो न्यूज निकल कर आ रही है देहरादून उत्तराखंड से निकल कर आ रही है, उत्तराखंड के होमगार्ड जो है वहाँ के देहरादून से, तो इसको हम लोग कवर करते हैं। देहरादून सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी होमगार्ड के वेतन के मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर होमगार्ड में आक्रोश है। याचिका का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार इस संबंध में कोई निर्णय नहीं कर रही है, इससे होमगार्ड्स में आक्रोश व्याप्त है। याचिका शिव प्रसाद शर्मा, राम बहादुर मौर्य, वीरेंद्र सिंह रावत और अजीत थापा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को 8 सप्ताह में होमगार्ड्स के बीच न्यूनतम वेतन के समान वेतन दिए जाने का आदेश दिए थे। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 सितंबर को शासनादेश जारी कर होमगार्डों के वेतन में वृद्धि कर 672 रुपये प्रतिदिन वेतन कर दिया है। इसके इधर उत्तराखंड सरकार ने आज तक कोई निर्णय नहीं लिया है। उत्तर प्रदेश में 1,00,000 से अधिक होमगार्ड्स हैं और उत्तराखंड में महज 5,800 होमगार्ड्स, इसके बावजूद सरकार हिलावली कर रही है, ठीक। तो जो है ये उत्तराखंड में अभी लागू नहीं हुआ है, तो आप कमेंट में जरूर जरूर बताएं कि लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और कितने समय में और कितने जल्दी लागू होना चाहिए और होमगार्ड्स भाई कहाँ के हैं वहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर जरूर करें, ठीक। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।